क्शन वन फोर्टी थ्री रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन थ्री आपके पास जो नोट वो निकाल लीजिए आई एम ऑन पेज नंबर टू वन थ्री फिनके पास जो भी टीचर की बुक है मेरे नोट रिटन वाले नोट जो भी आपके पास निकाल लीजिए फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर बहुत सिंपल सा था, सो so, बात करते 12, दो मार्क मार्क का मार का तीन आ सकता है 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 आपको, देखो अभी क्या कहता है? ये कहता ये, कि सर ऑडिटर व्हेन रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास एविडेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट किसने फ्रॉड किया होगा द ऑफिसर या फिर मतलब फ्रॉड हुआ है जहां पर हम लोग ऑडिट करने गए थे कौन से ऑड की बात हो रही है स्टार्ट ऑडिट की तो so, जैसे फ्रॉड है यू विल रिपोर्ट द फ्रॉड टू द ऑडिट दी और टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑडिट कमिटी तो आप ऑडिट कमिटी के पास जाओगे पर अगर ऑडिट कमेटी हो तो किसके पास जाओगे बोर्ड के पास जाओगे सर कितने दिन में जाना है आपको इन टू डेज जैसे आपको फ्रॉड विद इन डेज आपको जाकर रिपोर्ट करना है क्या क्या बताओगे आप द नेचर डिस्क्रिप्शन अप्रॉक्स अमाउंड पार्टी इन्वाल्व अच्छा फ्रॉड कब बताना है आपको सर अगर फ्रॉड छोटा है अगर फ्रॉड छोटा है यू विल रिपोर्ट इट टू जस्ट ऑडिट ऑडिटी और दी बोर्ड तो अगर फ्रॉड बड़ा है बड़ा फ्रॉड होएगा तो किसके पास जाना पड़ता है हम को के पास जाना पड़ता है ठीक है ऑडिट ही केम अक्रोसॉड ही क्विकली रिपोर्ट क्विकली रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी अगर ऑडिट कमेटी है तो अगर ऑडिट कमेटी है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अब इंटरप्रिटेशन कैसे दिया विद इन 2 डेज रिपोर्ट देन द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड जो भी है ऐसा फ्रॉड हुआ ये फ्रॉड हुआ इन फ्रॉड हुआ सर अगर रिप्लाई आ गया द ऑडिटर विल गो टू सी जी द ऑडिटर विल रिपोर्ट इट इू सी जी विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द ऑफ द रिप्लाई विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई क्या लेके जाएगा सर द डिटेल्स द रिप्लाई एंड द कमेंट क्या क्या लेके जाएगा सर डिटेल्स क्या फ्रॉड हुआ है द रिप्लाई एंड द कमेंट्स सर अगर रिप्लाई नहीं आया बच्चों अगर रिप्लाई नहीं आया सर अगर रिप्लाई नहीं स्टिल द ऑडिटर विल गो टू सी विद इन फिफ्टीन डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फॉर्टी फाइव डेज इन फिफ्टीन डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फॉर्टी फाइव डेज क्या क्या लेके जाएगा द डिटेल्स एंड क्योंकि रिप्लाई आए तो रिप्लाई नहीं जाएगा

ठीक है अगर वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लैक्स का फ्रॉड है वन ट्वेंटी फाइव लैक्स का फ्रॉड है तो पहला स्टेप तो आएगा ही आएगा साथ में बाकी सारा भी आएगा बाकी सारा भी आएगा ठीक है सो बट ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में अगर आता है तो ऑटर शुड रिपोर्ट द फ्रॉड टू सी वेन ही शुड रिपोर्ट द फ्रॉड ओनली द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मिनिमम वन करोड़ एमसीक्यू में अगर आता है सर डेज क्या है सी को रिपोर्ट करने के ऑटर विल रिपोर्ट द फ्रॉड टू सी विद इन विद इन सिक्सटी डेज द ऑटर विल रिपोर्ट द फ्रॉड टू सी विद इन सिक्सटी डेज द ऑटर विल रिपोर्ट द फ्रॉड टू सी विद इन सिक्सटी डेज सर सिक्सटी का ब्रेकअप क्या फोर्टी फाइव एंड फिफ्टीन

एंड ऑफ फ्रॉड इज कंडक्टेड बाई दर या द अमाउंट ऑफ्रॉड शुड बी रिपोर्टेड टू इन नंबर याद रखना आपको थैंक यू वन फोर्टी थ्री ट्वेल्व आप आ जाइए ड्यूटीज ऑफ ऑर्डर पर

All information explanation to the best of his knowledge and belief, and if he has not obtained, details and effects in the effect should be mentioned. A for all information explanation is obtained. B say proper books of accounts as required by the law have been kept by the company, including branch books of accounts. C. Company's balance shearing l are in confirmation with Bua. कंपनी का बैलेंस शीट एंड पेनल एंड इज इन कंफर्मेशन विद बुआ डी द एफएस आर डन अप एज पर एएस एएस के तहत बनाया गए ई एलिजिबिलिटी वेदर एनी डायरेक्टर्स डिसक्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 2 एफ कंपनी हैज अ एडिक्वेट डिस्क्लोज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओ अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइबड द कोड इज व्हाट ए बी सी डी ई एफ ओ All information explanation has been obtained. Books of accounts have been kept by the company. See Confirmation with books of accounts. D. Done up as per ASE Eligibility. E. F. Company has in adequate internal financial controls. O. Others as may be prescribed. Then, others may क्या आता है पहला. Impact of any pending litigations, if any has been disclosed. Number two, ma made provision for material foreseeable losses. Third, delay in transferring the amounts to IPF. IPF perform करता है Investor Education Protection Fund. ए बी सी पुराने थे फिर डी ओमिट हो चुका था ई e, ई e नया आया कंपनी हैज नॉट गिवन एनी लोन और बी को नहीं दिया है जिससे बी जाके आगे सी को देगा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अल्टीमेटली ए का पैसा सी के पास नहीं पहुंचा है ठीक है तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो जाती है ए हो जाती है फिर ये तो देने वाला हुआ नंबर में क्या बोलोगे लेने वाला हुआ हमारे क्लाइंट ने किसी से पैसा नहीं लिया है जिससे जाके वो पैसा आगे दे किसी से पैसा नहीं आया है और उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो जो दे रहा है वो हो जाती है फंडिंग पार्टी एंड वही अल्टीमेट पार्टी हो जाएगी हम लोग हो जाएंगे इंटरमीडियरी तो हमारे क्लाइंट ने ना तो दिया है हमारे क्लाइंट ने ना तो लिया है जो भी मैं कह रहा हूँ सर ये सच कह रहा हूँ टू में मैं कह रहा हूँ नॉट कंटेन एनी मटेरियल मैं स्टेटमेंट

इसी पे नया क्वेश्चन आया था। कंपनी फ्रॉम अप्रैल हैज मेड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें एडिट लॉग ऑडिट की फैसिलिटी होगी ठीक है? तो ये अदर्स वाले वाले में नीचे पॉइंट so, क्या करेंगे अब पूरा कर वाला है क्योंकि वो नया आया हुआ है आराम से रीड कीजिए ठीक है सो ये खत्म हो गया अपना मूविंग ऑन टू कारो बहुत सिंपल है कारो सर कारो किसको एप्लीकेबल है सर कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज़। बच्चा कारो किसको एप्लीकेबल है कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज़, इंक्लूडिंग

में क्या होता था? तीन है. सर, जहां पर उसका

अच्छा जिसके पास ये वाले रिटर्न वाले नोट्स है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट जो आपको नीचे देख रही है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आप इंडिया डॉट इन सकते जाए क्या कहता है पहला

तो ये एक पहला फिजिकल वेरिफिकेशन वाला है, फिर एक प्रॉपर्टी वाला ब्लॉक है, है और लास्ट वाला क्या बीटीपी है चारों में से चारों नहीं पूछे कोई भी एक पूछेगा क्लॉज नंबर क्या करना है आपको क्लॉज नंबर वन लिखना है रोमन में लिखना है वन, वन, जैसे अपन रोमन में लिखते हैं ना आई वाला ऐसा वन लिखना है आपको ओके

to the bank or FI is in agreement with BUA. If not, give details. Our quarterly statements or statement filed by the company to the bank or FI is in agreement with BUA. If not, give details. So I say क्या होगा inventory. F से है fixed assets. I से हो गया inventory. D. D से क्या होगा बच्चा debts given. When the company has given LIGS. LIGS मतलब loans, investment, guarantee to the company, firm, LLP or any party. ठीक है so, तो गुना नहीं करेगा आपको क्या करना डिस्क्लोज दे डिस्क्लोज करना ज गोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी टू दम्स एन एल पी एनी पार्टी खाली डिस्कलोज करना है एल जी एस दिया है एल जी एस का मतलब लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है किसको दिया है sir, अगर सच को दिया है सच मतलब सर कौन होता है सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर तो आप उसका टोटल अमाउंट बताओगे एंड दी बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन दी बैलेंसटीट बताओगे टोटल अमाउंट डूरिंग द इयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस डे टू दच फिर

सर इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर कंपनी हमको रिकवरी नहीं करनी हमको अगर मोर डेज़ का ओवर ड्यू दिख रहा है तो हमको चेक करना है कि मैनेजमेंट ने रिकवरी के स्टेप्स लिए कि नहीं लिए सर ई वेदर एनी लोन्स एंड एडवांज अगर रिन्यू किया गया इस साल में वेदर एनी लोस रू डिंग द इयर और एनी फ्रेस लोन इज ग्रांटेड टू सेटल दू लोन लाइक पुराना लोन टू द सेम पार्टीज स्पेसिफाई दफ सच लोन और फ्रेस मतलब किसी का लोन आउटस्टैंडिंग था

रीपेबल रीपे of of क्या बताना आपको टोल बता कितना है कितना टोटल मतलब, अगर टोटल मिला के हजार करोड़ रुपए का लोन है हमने दस करोड़ रुपए का दे रखा है शॉर्ट टर्म तो तो लोन तो लिखोगे दस करोड़ रुपया एंड उसका बता दे टू दोन किसको दिया होगा आपने प्रमोटर को दिया गया या फिर रिलेटेड पार्टी को दिया होगा

नी अनरिकॉर्डेड इनकम इज डिज इन द ईयर कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड और अनोज इनकम है जो पकड़ी गई है, चेक वेदर वो है नहीं। अरे हमको नहीं डिस्कल करना है मैनेजमेंट ने डिसक्के हम जाके वो देखना है इय स्टैचूथरी इनकम एन डिफॉल्टेड डिफॉल्टेड में क्या बोलोगे ये भी बड़ा क्लॉस है ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉस हैवर्नमेंट डिबेंशर होल्डर्स लॉन्ग टर्म लोन आर टर्म लोन ऑप्टन फिर नेक्स्ट वाला चेक विदर्म लोन लॉन्ग टर्म परम लोन यूज फॉर दर्पज फॉर विच दिन टर्म यूज फॉर लॉन्ग टर्मज फिर

मिनिमम ऑफ़ टोटल डिपॉजिट डिपॉजिट शुड बी टर्म मतलब 10 अगर सौ रुपए का मेरे लोन ले रखा है तो क्या करने का अपने को जो डिपॉजिट ले रखे सौ रुपए के नब्बे पे मैं लोन उठा सकता हूँ दस रुपया लोन फ्री होना चाहिए दस रुपया मैं गिर भी नहीं सर मिनिमम टेन परसेंट शुड बी अनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी चार्ज सर तेरव रिश्तेदारों की फिर किसको दे दिया रिश्तेदार को दे बाय द सेक्शन एट इज कम्प्लेट इफ नॉट गिव डिटेल्स इफ नॉट गिव डिटेल्स

सर ट्रांसफर टू सी एस आर फंड अगर कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है सी एस आर की इट इज ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट अंडर शेडूल अंडर सेक्शन वन थर्टी फाइव वो शेड्यूल सेवन वाला है सर ट्रांसफर टू सी एस आर फंड अंडर शेड्यूल सेवन क्योंकि क्यों, क्यों, तो अगर क्या होता है अगर आप सी एस आर के पैसे खर्च नहीं कर पाते हो तीन साल तक तो आपको पैसे सरकार को भेजने पड़ते हो तो सरकार को भेजने वाला ये प्रोविजन है तो अगर कंपनी ने कोई पैसे सी एस आर में भेजे ठीक है थीके? तो उसका यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए वेदर एनी अमाउंट वेदर एनी अनस्पेंड अमाउंट ऑफ सी एस आर इज ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट अंडर सेक्शन वन थर्टी फाइव मतलब शेड्यूल सेवन वाला 21, क्या आएगा आएगा क्वालिफाइड एडवर्स ये कब सर जब कंपनी में जब कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी मतलब कंपनी ग्रुप कंपनी से वहां पर तो ये आता है सर क्वालिफाइड एडवर्स रिमार्क इन द अदर ग्रुप कंपनीज का कारो रिपोर्ट सर क्वालिफिकेशन और एवस इमार्क इन अदर ग्रुप कंपनी का कारो रिपोर्ट सब्सिडी एसोसिएट में ठीक है अब वो क्या बोलते हैं शुड गिव द डिटेल्स ऑफ द कंपनी का नाम एंड द पैरा पैरा नंबर ऑफ रिस्पेक्टेड कारो रिपोर्ट कंटेनिंग सच क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क जैसे फॉर एक्साम्पल मेरी संता में क्लास एट इलेवन फिफ्टीन कॉन्ट्रावेंड है बीबी में थ्री नाइन सिक्सटीन कॉन्ट्रावेंड है